से एक प्लाई लीजिए, ठीक है। प्लाई लेने के बाद में एक जैसे इस तरह से काट कोना आता है, तो गाइज अपने हम साइड पे आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे आपको कोई भी कटर मशीन हो, कितना भी इसका गेज हो, उसको बिल्कुल आसानी तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट इसको ये जांच करें कि हमारा कितना इंच यहाँ पे ये गेज है। यहाँ से बहुत से आदमी क्या करते हैं, इसको टेप की मदद से भी ऐसा ले लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए टेप की मदद से। एक्चुअली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ब्लेडे जो दांते हैं इसके बेंड होते हैं, लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। जब हम यहाँ से मेजर लेंगे तो ये प्लेट पर टच हो जाएगी और ये हमारा दांता कुछ इस तरह से बाहर निकला होता है, तो वो परफेक्टली गेज नहीं मिलता है। और कोई बिल्कुल मैं आसान तरीका बताऊँगा, कोई भी कारपेंटर भाई हो जो नए सीखने वाले हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी वीडियो होगी। तो सबसे ऐसा क्या कीजिए, अब एक तरह से एक प्लाई लीजिए, ठीक है। प्लाई लेने के बाद में एक जैसे इस तरह से काट कोना आता है, उसके बाद क्या कीजिए, आप एक पेन का यहाँ मार्क कीजिए, ठीक है। पेन का मार्क करने के बाद मशीन कैसे चलाइए, मशीन चलाने के बाद में आप ब्लेड इसको वापस ले लीजिए। अब यहाँ टेप की मदद से इसको ले लीजिए, तो आपको ये मालूम पड़ेगा जैसे कि हमारा 750 होता है और बार बार लेंगे तो एक इंच हो गया। तो ये इस तरह से गेज आप आसानी से चेक कर सकते हैं कोई भी कटर मशीन को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भी आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।